दिया छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। अब क्या करोगी तुम? तो शादी भी हो गई अब दोनों की। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब तो दो। क्या हुआ? क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ? एक ही सवाल, क्या करूंगी क्या करूंगी? अरे वाह, एक तो तुम्हारे घर पर झूठ बोलकर मैं तुम्हें वहां से निकाल कर लाई, और तुम मुझे थैंक्स कहने के बजाय मुझे यहाँ के दिखा रही हो। I'm so sorry. तुम्हें पता है ना मेरा दिमाग इस वक्त कितना खराब हुआ है। मेरा वो मतलब नहीं था। और हाँ, थैंक यू सो मच, कम से कम तुम्हारी वजह से उसे दूल्हा बने हुए तो देख लिया मैंने। अच्छा, बात किससे कर रही थी? फराज का भाई था। काफी हैंडसम है। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ भाई, क्या बात है? इस टाइम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों भाई, आप क्यों पूछ रहे हैं? यार, तुम्हारी शादी हुई है आज, तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं भाई, देखिए प्लीज, कर लिए, हो गई है शादी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रोज आप लोगों से डिटेशन। वेट वेट,
अरे भाई इतने गुस्से में क्यों? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ नहीं पता। पता है, लेकिन अब तो हो गई ना शादी, अब चिल करो यार। भाई ये बात मुझे भी पता है, प्लीज कुछ देर के लिए अगर आप मुझे अकेला छोड़ दें। एक मिनट, इधर देखो मेरी तरफ। ऐसा मत करो यार, देखो अब हो गई ना शादी, खुशी से सच्चे दिल से एक्सेप्ट करो इसे, लाइक अ जेंटलमैन। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जिस तरह आप ये घर छोड़कर इस्लामाबाद जाके सेटल हो गए थे ना, एक दिन मैं भी ये घर छोड़कर भाग जाऊंगा। फराज, अरे बात सुनो यार, वो लड़की कौन थी? कौन लड़की? अरे यार वही जिसे तुम बात कर रहे थे, थोड़ी डिस्टर्ब थी, अपसेट। I don't know. अरे सुनो यार, वो तो कह रही थी तुम्हारी दोस्त है। फराज, ऐसे 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 सोगी तुम? इन्हीं कपड़ों में सोने का इरादा तुमने? चेंज नहीं करना तुमने? नहीं करना है चेंज। इधर उधर क्या देख रही हो? जाओ जाके चेंज करो। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। देखो तुम वो टिपिकल किस्म की बीवी तो नहीं बनने वाली हो जो कि हर बात पे पूछती है कहाँ गए थे, कहाँ से आए थे, आपका वेट कर रही थी जिस तरह भी बोला। ये चीजें मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज जी। क्या सूटकेस खोलना पड़ेगा, उसमें कपड़े वगैरह हैं। हाँ तो निकालो, तुम्हारा ही सामान है, तुम्हारी चीज है, तुम ही निकालोगी।
क्या देख रही हो? जिप बंद करो। थैंक यू। तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम है जी? मंगनी हुई थी तुम्हारी, उसका कोई तो नाम होगा जी। था कहीं पूछ रहा हूँ क्या था? आरिफ। मैं जाऊँ? जाओ। बल्कि एक मिनट रुको, मुझे नहीं पता तुम्हें कितना टाइम लगेगा। मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने चला जाऊंगा। ये भी तुम्हारा बैग है? सी। तुम कितना सामान लेकर आई हो अपने साथ? जी के अलावा कोई और लफ्ज बोला नहीं होता तुम्हें? इतनी जगह नहीं है मेरे घर में, मेरी रूम में तुम्हारे सामान के लिए। और बुद्ध बनकर यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके इसको साइड पे करो, बैग्स को हटाओ, साइड पे करो। मैं इससे पहले कि फिर ठोकर लग जाए। तुम्हारे अब्बू ने उन लोगों को शादी के लिए बहुत मुश्किल से राजी किया बेटे, वरना वो लड़का मना कर देता तो हम क्या बिगाड़ लेते उसका। इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो तुमसे शादी करने के लिए मान गया है तो ये उसका एहसान है। तुम उसका ये एहसान कभी मत भूलना। क्या कर रही हो? मेरे कमरे में किसी भी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो जैसे हैं वो उसे वैसे ही रहने दो। जाओ जाके चेंज कर लो प्लीज। मेरे कपड़े हैं वहां पे। अबू तमाशा बना नहीं है फराज, तमाशा बनाया गया। ये सब उस समीर ने जानबूझ के किया है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। वो जितनी मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं। तुम्हें ये बात पता है ना कि मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से नहीं की,
मेरे बाबा ने जबरदस्ती तुमसे शादी करवाई है, तो फिर तुम इस बेड पे कैसे सो सकती हो? तारीफ हरीम और आप? मैं फराज का बड़ा भाई। आपको मैंने यूनिवर्सिटी फेलोज हैं फराज और समीम मेरे। ओके। कभी हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हुआ करते थे मतलब अब नहीं है? मतलब फ्रेंड्स नहीं? आपका कभी जिक्र नहीं किया फराज ने? मैं एक्चुअली इस्लामाबाद में रहता हूँ, यहाँ कम आता हूँ। फिर तो आपको पता ही नहीं होगा कि शादी किन हालात में हुई है और कितनी जोर जबरदस्ती से हुई है। जानता हूँ मैं सब कुछ। मेरे घर वाले तो मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रहे थे। सबसे छुप छुप भाग के दिखे इस तरह आई हूँ। अच्छा नहीं हुआ फराज के साथ। अच्छा नहीं हुआ मतलब? और समीम के साथ? हाँ उसके साथ भी बेचारी देखे, समीम के साथ भी बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इन बातों को छोड़े, आइए आप प्लीज बैठिए। नहीं नहीं नहीं, मैं घर जाऊंगी, बहुत देर हो गई है वैसे भी, मैं चलती हूँ। और बाय द वे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। कहाँ जा रहे हैं आप? नमाज के जा रहा हूँ। असल में जब से वो वाकया हुआ था मैंने बाजमात नमाज पढ़नी छोड़ दी थी। उसकी शादी हो गई तो सोचता हूँ जिन नमाजों के औकात घर में पढ़ते हैं वो तो कम से कम मस्जिद में पढ़ूं। अच्छी बात है। सुने, हमारी समीन की खुशियों और अच्छे नसीब के लिए भी दुआ कीजिएगा। क्यों मुझे लग रहा है जैसे आप अभी भी उसके नसीब में सिर्फ दुख ही दुख है।
अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करेगा। खुदा हाफिज़। मॉर्निंग फराज। गुड मॉर्निंग। वैसे तुम्हारी वेकअप कॉल्स करने वाली ड्यूटी ना वापस से मेरी लग गई है। वैसे अमेरिका और पाकिस्तान के टाइम डिफरेंस का फायदा ना सबसे ज्यादा तुम्हें है। फ्री वेकअप कॉल्स मिल जाती हैं। हाँ, क्या कर रहे हो, कोई बात तो करो। मैं अभी उठाऊ, मैं तुम जाके तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है। अच्छा तुम मुझे एक बात तो बताओ। पूछो। तुम खुश हो ना कि मैंने मामा से तुम्हारी और मेरे लिए बात कर ली है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ये तुम क्या कह रहे हो फराज, मैंने तो तुम्हें कोई सलाम नहीं किया। मैं जिम जाके तुम्हें कॉल करता हूँ, मैं रेडी होता हूँ। ओके। आपको कुछ ला दूँ? कुछ नहीं चाहिए। बाबा आपकी गाड़ी सर्विस हो गई है, वो ड्राइवर ले आया है। गुड मॉर्निंग। वैसे बाबा एक बात कहूं आपसे, माइंड मत कीजिएगा। आपने इसके साथ ठीक नहीं किया। क्यों ठीक नहीं किया बाबा? अभी वो बच्चा है और आपने उसकी शादी कर दी। बच्चा है वो, सिर्फ 2 साल छोटा है तुमसे। तुम बात ऐसे कर रहे हो जैसे तुम उससे 20 साल बड़े हो। लेकिन वो खुश नहीं है। तुम्हें कैसे पता? बाबा ऑब्वियस है, कल शादी हुई है उसकी और अब जॉगिंग पे जा रहे सुबह सुबह, सारा गुस्सा ट्रैक पे निकालेगा। पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा तुम भी खुश रहो और उसको बताओ एज अ बिग ब्रदर कि खुश रहे। लेकिन बाबा मुझे आपसे फिर भी इख्तलाफ है। देखो तुम्हारी माँ की तरह अगर तुम्हें मेरी इस बात से इख्तलाफ है ना, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो मुनासिब समझा वो कर दिया। जी तुम्हारे नए जमाने के सोचने के अंदाज कुछ भी हो, वालदेन वालदेन ही होते हैं। हमारा तजर्बा, हमारी नसीहत, हमारे फैसले तुम्हें और तुम्हारी जनरेशन को बिल्कुल बेकार लगते हैं, फजूल लगते हैं। बाबा प्लीज रिलैक्स, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूं। असवन बेटा तुम फराज के बड़े भाई हो, उसे भी तुम्हारी जरूरत है और मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरे बड़े बेटे हो, मैं चाहता हूं तुम यही रहो। देखो जिस तरह की जॉब तुम इस्लामाबाद में कर रहे हो, या कराची में भी तो कर सकते हो। और जॉब करने की जरूरत क्या है भाई, मेरे साथ दफ्तर चलो, इतना बड़ा कारोबार है उसे संभालो।
अस्सलामुअलैकुम। 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 सुनिए नसरीन। जी बाजी, क्या हो गया? कान बंद है, आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है, वो मशीन चल रही थी ना, तो इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। सुन लिया तुमने? मशीन चला रही थी इसलिए आवाज नहीं आई। उसका तो चलो मुंह उधर था, तुम तो आते हुए देख रही थी, क्यों गला फाड़ फाड़ के आवाजें दे रही थी? रीम, I'm sorry, बस कमरे में बैठी बैठी बोर हो गई थी तो मैंने सोचा कि नसरीन अपना काम छोड़ के तुम्हें एंटरटेन करे। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। जो भी मतलब था तुम्हारा। नसरीन जी, छोटी समीन का नाश्ता कमरे में दे दो। जी मैं दे दूंगी। मैं हेल्प करा देती हूँ, नाश्ता तैयार नहीं है तो। आज पहला दिन है तुम्हारा, इसलिए बेतकल्लुफी से इस तरह किचन में आने की जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो तुम्हें बता दिया जाएगा। मेरा मतलब से जो भी मतलब था तुम्हारा, प्लीज अपने पास रखो। नाश्ता दे। सुबह सुबह दिन खराब करती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं कैसी हूँ या कैसी नहीं, इससे आपको क्या गर्ज? वैसे मेरा नाम अनीला है, और बाय द वे मैं आपसे छोटी हूँ, तो आप मुझसे क्यों सलाम कर रही हैं? बुरा लगा मेरा सलाम करना? नहीं, बुरा तो नहीं लगा, बस अननेसेसरी लगा। सॉरी, वो आमना सामना हो गया था तो बात करनी चाहिए, एटलीस्ट सलाम तो करना ही चाहिए। क्या तुम सबसे बिला वजह इसी तरह फ्री होने की कोशिश करोगी? आई मीन, आते जाते सलाम करना एंड ऑल दैट फेक जेस्टर्स। क्यों ना करूं, मैं भी अब इस घर की फर्द हूं। अच्छी बात है, तुम्हें भी करना चाहिए। ओ प्लीज, मुझे सुबह सुबह तुम्हारी कोई बोरिंग बातें नहीं सुननी, और वैसे ही मुझे इंस्टीट्यूट के लिए लेट हो रहा है। इंस्टीट्यूट से याद आया, फराज भाई को तुमने यूनिवर्सिटी में ही टारगेट किया था, राइट? वैसे तुम ऐसी लड़की लगती तो नहीं हो। एनीवेज, ये लीजिए आपका नाश्ता। मैं तो समझ रही थी कि आप सबके साथ नाश्ता करेंगी, लेकिन रुक क्यों गई? बोले, क्या बोल रही थी? वो पहला दिन है ना, दूल्हा और दुल्हन एक साथ नाश्ता करते हैं, तो मेरा मतलब है कि आपका नाम नसरीन है? जी जी, मुझे लगा था आप मुझे नाश्ता देने के लिए आई हैं, लेकिन अब लग रहा है कि आप घर वालों के खिलाफ भड़काने आई हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है। नहीं नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो मैं सॉरी कह देती हूँ आपको। चलो कोई बात नहीं, नाश्ता रखते हैं। थैंक यू फराज, जूस पास कर। थैंक यू। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे यार, कल इस घर में शादी हुई है और आज सब लोग कितने उदास बैठे हैं, जैसे किसी बात का शोक मना रहे हो। शादी हुई?
शादी नहीं हुई है। मेरे मासूम बेटे के अरमानों का खून हुआ है और तुम उसे शादी कह रहे हो। तुम्हें कितनी दफा समझाया अलीमा, तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आती। मैं आपसे हर बार यही कहूंगी, इलियास साहब आपने मेरे बेटे के साथ तो ज्यादती की ही की है, आपने मुझ पे भी जुल्म किया है। अच्छा प्लीज अब सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ। ओ फराज, तुम्हारी शादी का आज पहला दिन है, तुम अकेले बैठे नाश्ता कर रहे हो। तुम्हारी दुल्हन कमरे में है, जाओ उसे बुलाकर लाओ, हमारे साथ नाश्ता करे। वो आएगी तो मैं चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो अलीमा, कुछ खुदा का खौफ करो। मैं सिर्फ बातें नहीं कर रही, करके भी दिखाऊंगी। बुला ले उसे। मामा ठीक है जाओ, पता नहीं कब समझ में आएगी। मामा नाश्ता तो कर ले प्लीज। ओके रुको, मैंने कुछ कहा है तुमसे? उसी को लेने जा रहा हूं। शाबाश जा, नाश्ता कर। मम्मी मैं बच्चों को कॉल कर लूं? मम्मी मुझे बहुत याद आ रही है उनकी, प्लीज सिर्फ 5 मिनट बात करूंगी। अच्छा मम्मी सिर्फ 2 मिनट। इतनी बार कहा इकरा, जब मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ तो तंग मत किया करो। मम्मी प्लीज। अच्छा ठीक है 2 मिनट के लिए बात कर लो, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारे अब्बू नाराज होते हैं। थैंक यू मम्मी, मैं बिल्कुल अब्बू को पता नहीं चले दूंगी। हेलो, शादी मुबारक। कौन? इतनी जल्दी भूल गई? आर्य। शुक्र है तुम्हें मेरा नाम तो याद है। कॉल क्यों किया मुझे? तुमने उसी लड़के से शादी कर ली जिसके साथ तुम बदनाम हुई थी। लोग गलती से जब गटर में गिर जाते हैं ना तो सड़क पर एहतियात से चलते हैं, लेकिन तुमने तो गटर में रहना ही शुरू कर दिया। आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, वरना जो बकवास तुमने मुझसे की है उसका जवाब। तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझे छोड़ना चाहती थी, तो उसके लिए खुद को और उस लड़के को क्यों बदनाम किया तुमने? मुझसे कह देती मैं तुम्हारी शादी करा देता उसके साथ, मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब तुम अब भी उससे रابطے में? जी। वो तुमसे मोहब्बत करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, तो तुमने फिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर उसने ये सब फोन पे क्यों कहा? इसे झुठला सकती हो तुम? जी मैं झुठला सकती हूँ, वो झूठ बोल रहा था। दुनिया में सब झूठ बोल रहे सिवाय तुम्हारे, है ना? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप तो अभी मुझे जानते भी नहीं है। आप बैठ के बात कर लें ताकि क्लियर हो जाए। नफरत है मुझे तुम जैसी लड़कियों से, जो मोहब्बत का नाटक किसी और से करती है और शादी किसी और से। क्यों करने मेरे साथ ऐसा? सेल्फ रिस्पेक्ट और लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं है तुम लोगों में? ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप मुझसे, इस तरह बात नहीं कर सकते। ऐसे बात नहीं करोगी तुम मेरे साथ, इस टोन में बिल्कुल बात नहीं करोगी तुम मेरे साथ। तुम वो लड़की नहीं हो जिसे मैं अपनी मर्जी से खुशी खुशी घर में लेके आया हूँ, जबरदस्ती घुसी हो तुम। मैंने जबरदस्ती की थी? मैंने वो गाड़ी खराब कराई थी, मैंने पुलिस को बुलाया था, क्या मैंने वो वीडियो? शट अप।
छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया छोड़